Hello everyone and welcome to my channel Miraki Learning. So today we will be starting with our quick revision course जिसमें हम topics को फटाफट समझने की cover करने की कोशिश करेंगे, right? आज हम start करेंगे unit number 9 which is governance and good governance and the topic would be the concept of governance. The concept of governance. Now because हमारा जो यूनिट है उसका नाम ही है गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, तो हमें समझ आना चाहिए कि ये जो वर्ड है गवर्नेंस इसका मतलब क्या है, राइट? तो आपने बहुत जगह इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे कि गवर्नेंस होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है जो गवर्नेंस है उसका. तो ना टू टर्म्स आर देयर. नंबर वन इज गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज गवर्नेंस. दोनों के दोनों टर्म्स हमने सुनी हुई हैं. गवर्नेंस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या है. नाउ गवर्नमेंट को हम समझते हैं, नाउ कंसीडर एनी प्लेस, कोई भी एक जगह हो सकती है वो, कोई इट कैन बी अ नेशन, इट कैन बी अ स्टेट, इट कैन बी अ लोकल एरिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. तो वहाँ पर कोई ना कुछ लोग होंगे, कोई बॉडी होगी जो उस एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है संभाल रहे हैं, राइट? सो उस एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग संभाल रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल जो संभाल रहा है, दैट वुड बी गवर्नमेंट. सो बेसिकली कोई एरिया है, उस एरिया में पावर कौन एक्सरसाइज कर रहा है? पावर इज एक्सरसाइज बीइंग एक्सरसाइज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट, राइट? तो गवर्नमेंट हमारा हो गया ये. गवर्नेंस की अगर हम बात करें, व्हाट इज गवर्नेंस? सो गवर्नेंस इज गवर्नमेंट इन एक्शन. गवर्नमेंट इन एक्शन. तो ये जो हमने अभी गवर्नमेंट की यहां पर बात करी है, ये हमने अभी यहां गवर्नमेंट की जो बात करी है, ये गवर्नमेंट कैसे अपना काम कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, हाउ? तो ये अपनी पावर, दिस गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर इन व्हाट वे, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस. सो यहां से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो हो जाएगा ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक मशीनरी है, और गवर्नेंस आपका एक प्रोसेस है, राइट? तो ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कैसा अपना प्रोसेस जो है चला रहा है, कैसे पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड गवर्नेंस. क्लियर? तो दिस इज गवर्नेंस. नाउ द टर्म गवर्नेंस कैन बी यूज्ड इन वेरियस एस्पेक्ट्स. हम बात कर सकते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस की, राइट? हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल गवर्नेंस, हम बोल सकते हैं नेशनल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस. सो वेरियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात कर सकते हैं. लेकिन आपका चाहे कॉरपोरेट फील्ड की बात हो रही हो, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हो, नेशनल की बात कर रहे हो, लोकल की बात कर रहे हो, कोई और बात कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का, दैट वुड रिमेन द सेम. सो अगर हम बात करें इंटरनेशनल गवर्नेंस की, यहाँ पे क्या मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, जो बॉडी ऑफ पीपल है जो गवर्न कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, व्हाट प्रोसेस आर दे फॉलोइंग, दैट वुड बी इंटरनेशनल गवर्नेंस. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल लेवल पे, सपोज आप विलेज है तो विलेज के अंदर क्या हो जाएगा, एक पंचायत हो जाएगी. तो वो पंचायत कैसे अपना काम कर रही है, कैसे अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है चला रही है, कैसे अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रही है, दैट प्रोसेस वुड बी कॉल्ड गवर्नेंस. सो गवर्नेंस का कंसेप्ट जो है वो सेम रहेगा. अगर अब हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की हम बात करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर भी जो गवर्नेंस है उस पर डिफरेंट व्यूज हैं. नाउ फॉर सम गवर्नेंस मींस द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपके कौन आ जाएंगे? सपोज प्रेसिडेंट आपके आ जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. कुछ लोग बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन एक्शन, दैट इज अवर गवर्नेंस. कुछ लोगों का कहना है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्लस हम यहाँ पे लेजिस्लेचर भी जोड़ दें, प्लस हम जुडिशरी भी जोड़ दें, तो तीनों के तीनों हमने ऑर्गन्स ले लिए गवर्नमेंट के, ये जो काम कर रहे हैं दैट इज गवर्नेंस. नाउ
कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इन तीनों को तो आप कर ही लो ऐड, ये तो हम करेंगे करेंगे, प्लस प्राइवेट सेक्टर के रोल प्ले कर रहा है, सिविल सोसाइटी के रोल प्ले कर रही है, या अदर कोई इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो कम इन गवर्नेंस। ठीक है, तो ये सारी बात तो ठीक है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच लेना है, कि एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर प्लस जुडिशरी लेना है, कि प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जो एरिया है, सपोज ये कोई एरिया है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाई जा रही है, प्रोसेस क्या है। अगर अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेन रोल है खाली अगर हम एग्जीक्यूटिव प्ले कर रहा है, तो वहां पे जो हम गवर्नेंस का कंसेप्ट है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक लिमिटेड कर देंगे। अगर वहां पर एक्टिव रोल है एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, जुडिशरी का, तो जो हम कंसेप्ट है गवर्नेंस का वो इनके एस्पेक्ट से समझेंगे। अगर वहां पे प्राइवेट सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सिविल सोसाइटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो जो हम गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इनको कंसीडर करेंगे। लेकिन है क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाई कैसे जा रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गवर्नेंस। आई होप आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। तो अलग अलग जगह पे बुक्स में आपको दिया होगा, कहीं पे बोला होगा कि जो ब्लरिंग है, एक लाइन है ब्लर हो रही है पब्लिक सेक्टर के बीच में प्राइवेट सेक्टर के बीच में, सारा कुछ ठीक है। वो है कि आगे गवर्नेंस कैसे इवॉल्व होती है, आने वाले टाइम में गवर्नेंस कैसे इवॉल्व हो रही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है दैट वुड रिमेन द सेम। राइट नाउ आपके सिलेबस में है कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी, एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो बनाई है उसमें बताया है कि कंसेप्ट तो हमें करना ही है ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी, लेकिन क्वेश्चंस वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी एज बॉडीज से भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी का टॉपिक भी कवर करना है क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं, प्लस वी हैव टू कवर कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस। ब्रीफ में मैं आपको यहाँ बता देती हूँ वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी के बारे में थोड़ा सा, लेकिन आप थोड़ा डिटेल में खुद कर लेंगे। सो वर्ल्ड बैंक जो है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई 1944 के अंदर, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में दो बॉडीज बनी, एक था आपका IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, एंड सेकेंड वॉज आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो ये जो दोनों बॉडीज हैं ये बनी एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। राइट, अब इसमें से जो IBRD है दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। नो, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एक्चुअली एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसके अंदर आपकी पांच बॉडीज आती हैं। नंबर वन इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसकी हमने अभी बात करी। सेकेंड इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नंबर थ्री इज IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। नंबर फोर्थ इज मीगा, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। एंड फिफ्थ इज ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये पांच बॉडीज हैं जो आपकी आती हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। नाउ व्हाट इज वर्ल्ड बैंक, जो IBRD है एंड IDA, इनको मिलाकर बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। ये कंफ्यूजन होता है लोगों को, लगता है कि IBRD का ही न्यू नेम है वर्ल्ड बैंक। सो IBRD प्लस IDA दोनों को मिलाकर बनेगा हमारा वर्ल्ड बैंक, और इंडिया जो है इन सब में से इन चारों का मेंबर है, ICSID का मेंबर इंडिया नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC। और अगर हम खाली IBRD की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो ये बना कब था, 1944 के अंदर। राइट, बाकी जो एजेंसीज हैं वो अलग अलग टाइम पे बनी हैं। IBRD जो था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 1944 के बाद बना। इसकी और फंक्शंस वगैरह जो हैं आप खुद कवर कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू UNDP।
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हमारा बना 1965 के अंदर, और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, राइट। अब एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, तो ये जो यूएनडीपी है इसके अंडर आता है। अब इनके जो फंक्शंस वगैरह हैं वो आप अपने आप कवर कर सकते हैं। मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया कि व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक एंड व्हाट इज़ यूएनडीपी। सिलेबस में है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। नाउ लेट अस लुक एट कि वर्ल्ड बैंक ने कैसे डिफाइन किया गवर्नेंस को, गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या है। सो वर्ल्ड बैंक ने 1993 के अंदर गवर्नेंस को डिफाइन किया। ना वर्ल्ड बैंक क्या है, हमारा आईबीआरडी प्लस आईडीए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो इन्होंने क्या कहा, दैट द गवर्नेंस इज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज। ध्यान से देखते हैं, मैनर मतलब किस तरीके से पावर जो है एक्सरसाइज की जा रही है, किसके अंदर, मैनेजमेंट किसकी, कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज की। सो कोई भी कंट्री है उसके अंदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्लस सोशल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए पावर किस तरीके से एक्सरसाइज करी जाती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है वर्ल्ड बैंक ने दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने भी यही किया था, हमने भी क्या कहा था कि कोई भी जगह है, कोई भी एरिया है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो पावर है वो किस तरीके से एक्सरसाइज की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखा, यहाँ पर ये बात नहीं हुई है कि पावर एक्सरसाइज कौन कर रहा है, हु की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात क्या हो रही है, हाउ, ठीक है। हु के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हो सकती है, वहाँ के लोग भी हो सकते हैं वहाँ पे। तभी हमने कहा कि हम वो डिपेंड करता है कि हम एग्जीक्यूटिव को देख रहे हैं, तीनों ऑर्गन्स को देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को देख रहे हैं कि नहीं, दैट डिपेंड्स। बट सिंपल सी बात क्या है, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उस पावर को किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस एंड दिस इज द कंसेप्ट गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। नाउ इसी के साथ वर्ल्ड बैंक ने हमें तीन और एस्पेक्ट्स दिए हैं उसके गवर्नेंस के। अभी हम देखते हैं कि तीन एस्पेक्ट्स कौन से हैं गवर्नेंस के अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अब गवर्नेंस के थ्री एस्पेक्ट्स कौन से हैं जो वर्ल्ड बैंक ने दिए। नंबर वन इज द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। सेकेंड इज द प्रोसेसेस यूज्ड टू एक्सरसाइज अथॉरिटी, processes used to exercise authority, and number third is the capability of the government. Now, इसका क्या मतलब है कि government के अंदर हम तीन factors include करते हैं। पहला factor आपका ये है कि form of political government क्या है, मतलब वहां पे democracy है कि dictatorship है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल है कि पार्लियामेंट्री रूल है, तो फॉर्म क्या है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की। नंबर टू, प्रोसेस क्या इंक्लूड यूज करती है गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का बेसिक तरीका क्या है, जो सरकार है चलाने का क्या प्रोसेसेस वो यूज करती है, वो सेकंड एस्पेक्ट हो गया। तीसरा होएगा कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि कैपेबिलिटी किस चीज़ की, पॉलिसी बनाने की, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की, एफिशिएंसी क्या है गवर्नमेंट की। तो ये जो तीन एस्पेक्ट्स हैं आते हैं गवर्नेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। अब हम आगे बढ़ते हैं द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एज गिवन बाय यूएनडीपी। ओके, सो यूएनडीपी ने 1997 के अंदर गवर्नेंस को डिफाइन किया कैसे, द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज अ नेशंस अफेयर्स एट ऑल लेवल्स। तो सबसे पहले अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है कैसे, इकोनॉमिक अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज अ नेशंस अफेयर्स एट ऑल लेवल्स। सारे के सारे लेवल्स पर एक कंट्री के
कैसे मैनेज करते हैं हम अफेयर्स को, किस अथॉरिटी के द्वारा, इकोनॉमिक अथॉरिटी के द्वारा, पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा. उसके आगे ये बोलते हैं दैट इट इज़ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच सिटीजन्स एंड ग्रुप्स आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट एक्सरसाइज देयर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड मीडिएट देयर डिफरेंसेस. तो इनके अकॉर्डिंग, यूएनडीपी के अकॉर्डिंग जो गवर्नेंस है उसके अंदर आपके मैकेनिज्म्स भी आ गए, प्रोसेसेस भी आ गए, इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, जिनके द्वारा जो वहाँ के सिटीजन्स हैं या ग्रुप्स हैं वो अपने इंटरेस्ट्स को आर्टिकुलेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अपनी लीगल राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं और अपने आपसी जो डिफरेंसेस हैं उनको मीडिएट करते हैं. तो बेसिकली मतलब ये सारे चीज़ें जो हैं किस में इंक्लूड होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही इंक्लूड होती हैं कि राइट्स मिलें और डिफरेंसेस कम हो, अपने इंटरेस्ट्स को फॉलो कर सको. तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ही है, उसी को कहने का तरीका जो है आपका यहाँ पर बदल गया. तो ये है यूएनडीपी की डेफिनेशन जो उन्होंने 1997 के अंदर थी. तो अगर आप ध्यान करें तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने रिसोर्सेज को डिफाइन किया है. वर्ल्ड बैंक ने बोला था इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाता है, तो वो रिसोर्सेज को डिफाइन कर रहा है वर्ल्ड बैंक. यूएनडीपी जो है आपकी अथॉरिटी को डिफाइन कर रहा है, इकोनॉमिक अथॉरिटी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को किस तरीके से मैनेज करते हैं, नेशन के अफेयर्स को यूज करते हैं नेशन के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एट ऑल लेवल्स. कोई भी लेवल हो सकता है, वो कंट्री, इन ऑल ओवर कंट्री की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, लोकल लेवल की बात करें या कोई और लेवल की बात करें. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एज गिवन बाय यूएनडीपी. यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि हारलैंड क्लीवलैंड ये नेम है जिन्होंने 1972 के अंदर सबसे पहले बोला था दैट गवर्नेंस कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह हम गवर्नेंस को यूज कर सकते हैं. उन्होंने गवर्नेंस की बात की थी, कंसेप्ट की बात की थी, हारलैंड क्लीवलैंड. तो ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है. कंसेप्ट आपको समझ आ गया है. अब अलग अलग जगह पे आपको गवर्नेंस की हो सकता है डेफिनेशंस दी हुई हो, तो वो आप डेफिनेशंस चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए. तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये जो लेक्चर है आज का कैसा लगा. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस की, और तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड.